हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हेल्थ की वीडियोस तो कुछ टाइम के लिए पॉज करते हैं, हम जल्दी मिलेंगे। अब हम चल दिए हैं अपनी एक और ट्रिप पे। बताते हैं धीमे धीमे कहाँ पहुँचेंगे। ये तो अपना प्यारा सा शहर है आगरा, और गर्मी भाई कतई जहर हो रही है। बहुत गर्मी है। तो फटाफट से निकलते हैं, देखते हैं कहीं हीट स्ट्रोक ना हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी तो यार बहुत भीषण है, सब लोग अभी बैठे ही हुए हैं। तो गाइस, ये है फतेहबाद रोड और हम यहाँ से इनर रिंग रोड होते हुए एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपने को सिर्फ एक्सप्रेसवे पे ही टोल पे करना है, उसके बाद कहीं पे भी टोल पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो रूट सिंपल एंड क्लियर है, गर्मी डिसाइड करेगी कि अपने को कितने हॉल्ट लेने हैं, रुक के चलेंगे या बढ़ते चलेंगे। तो ये अपना मेट्रो है, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। भाई ये पूरा माहौल यहाँ का बदल चुका है, पहले मेट्रो नहीं था, अब मेट्रो है। और ये रूट्स बहुत ही प्यारे कर दिए हैं भाई। दिक्कत तो अभी ऐसा सच कुछ नहीं है, बट भाई साहब गर्मी यार, पेड़ लगाओ प्लीज़। एंड ऑल्सो वन थिंग, हमारे साथ डॉक्टर अंकित भी हैं, दोनों ही अंकित है एक्चुअली। वन ऑफ देम इज कैरिंग सीड्स, नीम के हमारे पास सीड्स हैं, तो कोशिश करेंगे जगह जगह पे हम नीम के बीज डाल दें। भाई थोड़ा लेट हो गए निकलते, सवेरा होने वाला है। थोड़ा तो डर लग रहा है गर्मी का भाई, और किसी चीज़ का डर नहीं है। पहला टोल क्रॉस हो गया यार। जैसे जैसे ना रोशनी बढ़ती जा रही है ना, वैसे ऐसे लग रहा है बस अब गर्मी आई। लास्ट टाइम सब मैंने चेक किया था, टेम्परेचर पानीपत सोनीपत सब जगह का 45 डिग्री। मतलब ये है कि अंडे वगैरह सब खरीद लेंगे, रास्ते में ही पका लेंगे अपनी गाड़ियों पे रख के। भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे अब हम सेकंड टोल पे आने वाले हैं। आज का दिन कट जाए, बाकी सब तो देख लेंगे। ऑलमोस्ट 143 किलोमीटर हो गए हैं और भाई सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप धूप देखो। गोइंग टू एंटर दिल्ली भाई साहब, 8 बज रहे हैं और धूप देखिए आप यार, इतनी तेज हवा के तपेड़े लग रहे हैं के भगवान ही बचाए। फटाफट से कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। टोटल अभी लगभग 190 किलोमीटर कवर कर लिया है। मौसम की तो कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छा होगा, बट चलिए बढ़ते चलते हैं।
कहीं तो पहुंच जाएंगे। यार गर्मी का बस यही बहुत बुरा लगता है यार, ट्रैफिक में ना सिटी के सेंटर में बहुत ज़्यादा, जितना मतलब जितना क्राउड रहता है ना उतना ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी तो हवा भी किसी काम की नहीं है, हवा भी नहीं लग रही भाई साहब। गर्मी हर सेकंड हर क्षण बर्स पड़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर अपन लोगों ने कर लिया है, थोड़ा बहुत और खींचते हैं। यार टारगेट तो बनाया है कि एटलीस्ट 500-600 किलोमीटर आज कवर करें, बट देखते हैं गर्मी कितना करने देती है। अभी तो कहीं पे स्टॉप लेके कुछ पीते हैं यार। तो एक स्टॉप लिया है अभी होटल से लगभग 10 किलोमीटर पहले। भाई साहब गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, अब पानी पी के वापस चल रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है। कुछ रह तो नहीं गया। समय हो रहा है 10, सूरज तो ऐसे चमक रहा है जैसे बज रहे हैं सबके 12। एक घंटा और देखते हैं कितना खींच पाते हैं। लगभग हमने 270 किलोमीटर भाई साहब पकड़ लिया है सुबह से। अब ये राहें कहाँ ले जाती हैं ये देखते हैं। प्लानिंग तो मुरथल की थी, बट मुरथल से लगभग 11 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए और POC चेक कराना था, तो अपनी मल्टी स्टार्टर का तो हो गया। मेरा अक्टूबर था पर तब भी मैंने फिर से रिन्यू करा लिया। पानीपत का टोल अपन ने अब क्रॉस कर लिया है। और आप भाई आंधी देखो, पूरे यूपी में कानपुर में हर जगह खतरनाक सी हीट वेव्स फैली हुई हैं और उनका असर इधर भी बढ़िया से फील हो रहा है अपने को भाई। यार देखो जब भी ऐसे ट्रैवल करो ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, फ्लूइड रीजन में रुक के लेते रहो, ORS वगैरह अपने साथ रख लो। पानीपत रिफाइनरी है, यहाँ पर मैच की बातें चल रही हैं, यहाँ पर हवा से दम निकल गई है, माहौल तो मस्त है। ये खड़ी है गाड़ी छुपी हुई हमारी छाँव में, बहुत सही आए हैं। अरे एक कार्ड है, एक लाइट बनाया 11 सोडा विद मिट्टी मसाला में। भाई साहब एक रिफ्रेशमेंट लेके वापस निकलते हैं, जस्ट अभी पानीपत टोल क्रॉस किया है। यार करनाल से लगभग हम थोड़ी देर में एग्जिट कर ही जाएंगे, वो 11:45 बज रहे हैं और गर्मी अपना भीषण रूप बस ले ही रही है। पूरे रास्ते आंधी चल रही है और यारों क्या ही बताऊं मैं आपको। वैसे तो देखिए आगरा दिल्ली पानीपत सोनीपत ये एक सीधी लाइन से है, रोड्स अच्छी हैं, जब तक ये गर्मी झेल रही है तब तक झेलते चलते हैं। दोस्तों पेड़ लगाओ, अम्बाला कैंट है 50 किलोमीटर्स,
को फिर से 55-60 किलोमीटर बाद भाई दम तोड़ दिया शरीर ने। तो ऐसे ही पेट्रोल पंप पे रुक के पानी पिया, और इस बार भी हम एक भी प्लास्टिक की बोतल नहीं लेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। तो जहाँ पे भी हम रुकेंगे वहीं से अपने बॉटल्स को फिल करवा लेंगे। ऑलमोस्ट अपने पास 3 बॉटल्स हैं, एक उनके पास हाइड्रेशन पैक है, रेस्ट। अभी तक तो जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है, गर्मी तो है बहुत, उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। सूरज देवता तो मान ही नहीं रहे हैं। तो प्लानिंग तो यही है कि 12:30 बज गए हैं, अम्बाला पे हम एक प्रॉपर हॉल्ट लेंगे, वहाँ पे 2-3 घंटे रुकेंगे आराम से जितना देर पॉसिबल होगा। और फिर प्लानिंग तो यही कर रहे हैं कि यार आज ही पठानकोट कर लें, जैसे कि जो हेक्टिक वाला पार्ट है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर आराम से अपने हिसाब से ट्रैवल करें। क्योंकि यार राइडिंग गेयर ज़रूरी तो हैं, बस इतनी गर्मी में उनको पहन के कंटिन्यूसली चलाना इतना आसान नहीं है। अभी ऑलमोस्ट अपने 380 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं, 380, 380, 382। तो दोस्तों हम अभी अम्बाला से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है ये हवेली, अम्बाला हवेली रेस्टोरेंट। तो यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से अंदर ही बैठे हुए थे, क्योंकि भाई दोपहर में इतनी लू में हिम्मत तो नहीं हो रही थी निकलने की, गर्मी तो यार बहुत भीषण है। सब लोग अभी बैठे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बाइक्स तो यार चुपचाप से खड़ी हुई हैं, अपनी बाइक्स तो शांति से खड़ी हैं। आप तो यार हवा देखो कितनी तेज चल रही है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री, और आगरा से तो भाई हीट वेव चल रही है, 48 आवर्स का वेदर अलर्ट है। तो यार पेड़ लगाओ वरना कैसे बच पाएंगे हम लोग, बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है।